नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार अपकमिंग फिल्म ओ माय गॉड 2 में भगवान शिव का किरदार निभाते हुए दिखने वाले थे, लेकिन फिल्म के रिलीज पर सेंसर बोर्ड की तलवार लटकी हुई है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि CBFC ने ओ माई गॉड 2 में 20 कट्स और कुछ बदलाव करने को सुझाव दिया है और साथ ही फिल्म को ए सर्टिफिकेट देने की भी बात सामने कही है। लेकिन अब इस स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। अब ऐसी रिपोर्ट वायरल हो रही है कि सेंसर बोर्ड ने अक्षय कुमार का रोल भगवान शिव से बदलने के लिए कह दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार सेंसर बोर्ड ने ओ माई गॉड 2 से मेकर से अक्षय कुमार का रोल बदलने के लिए कहा। ऐसा कहा जा रहा है कि सेंसर बोर्ड का कहना है कि अक्षय की फिल्म में भगवान शिव के किरदार में नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होने की संभावना है। ऐसे में अक्षय कुमार के रोल को भगवान शिव की जगह भगवान शिव का दूत बनाकर दिखाया जाए। एक और रिपोर्ट के अनुसार एक सोर्स का कहना है कि OMG 2 को सेंसर बोर्ड का मानने के लिए अक्षय कुमार के कई सीन्स और डायलॉग्स बदलने होंगे, साथ ही कुछ सीन्स काटने होंगे और कुछ नए सीन्स भी जोड़ने होंगे। फिल्म से उन सीन्स को भी हटाया जाएगा जहां अक्षय कुमार भगवान शिव के तरह नीले रंग में दिखाई दे रहे हैं, और इन सब चीज़ों को करने में समय के साथ साथ पैसा भी लगेगा। बता दें कि ओ माई गॉड को लेकर पहले ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि मेकर फिल्म्स की रिलीज़ को टालने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो सेंसर बोर्ड के आदेशों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। ऐसे में फिल्म की रिलीज़ 11 अगस्त से शिफ्ट की जा सकती है। ओ माई गॉड 2 में अक्षय कुमार के साथ पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम रीड रोल में नज़र आ रही हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।